नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। एनडीए एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह और राजनाथ सिंह बैठक के लिए पहुंचे। कल एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का भी नेता चुना जाएगा। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की बैठक होने के बाद कहा कि अगर हम एनडीए का हिस्सा नहीं हैं, तो हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। हमने यह चुनाव सामूहिक रूप से लड़ा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया और कहा कि एनडीए का कोई साथी इधर उधर नहीं जाएगा। जेडीयू ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो एनडीए गठबंधन के साथ ही रहेंगे। पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख जीतन राम मांझी ने दिल्ली में कहा कि एकदम स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हम पहले से ही उनका समर्थन कर रहे हैं, आज भी करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक हुई है, शिवसेना ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि भाजपा को जनादेश मिला है और एनडीए के सभी सहयोगी दल उनके साथ हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल भी बहुत यशस्वी होगा। वहीं इंडी गठबंधन के सभी घटक दल बुधवार शाम दिल्ली में एकत्र हुए। यहां गठबंधन के नेताओं ने आगे की रणनीति तय करने के लिए करीब 1.5 घंटे तक बैठक की। बैठक में गठबंधन की ओर से कहा गया कि वे उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि हमें जब मौका मिलेगा तब हम लोगों की इस सरकार को बदलने की जो इच्छा है उसके लिए कदम उठाएंगे। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के वोट बढ़ने में शिवसेना यूपीटी की भूमिका रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, एनडीए के पास नंबर है लेकिन हम चाहेंगे कि जिसकी सरकार बने वह बिहार को लेकर विशेष ध्यान दे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी विधायकों की आज बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आंध्र प्रदेश के नेता और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू आज टीडीपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राज्य में सरकार बनाने को लेकर मंथन होगा। लोकसभा सचिवालय 18वीं लोकसभा के सदस्यों का स्वागत करने के लिए है तैयार। सदस्यों के निर्बाध पंजीकरण के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। सदस्यों के पंजीकरण के लिए डिजिटल पंजीकरण डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर गाइड पोस्ट पर ड्यूटी करने के लिए लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने संसद में पहचान पत्र और सीजीएचएस कार्ड प्राप्त किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में उनकी और एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगी। शेख हसीना कल ढाका से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल से भाजपा विधायक के रूप में शपथ ली। राजधानी दिल्ली में जल संकट बरकरार है। लोगों को अभी भी पानी के टैंकर मंगवाकर अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ रहा है। दिल्ली में जल संकट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश दिया। यौन शोषण मामले के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी कस्टडी आज खत्म हो रही है। उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज हैं।
प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु कोर्ट ने 31 मई को 6 दिन की एसआईटी की कस्टडी में भेजा था। उत्तराखंड में उत्तरकाशी और टिहरी जिले की सीमा पर करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सहस्रतल में फंसे ट्रैकर्स का रेस्क्यू अभियान खत्म हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हीटवेव की तैयारियों और गर्मी के महीनों के दौरान अस्पतालों में आग को रोकने के उपायों पर राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ये पहली महत्वपूर्ण बैठक है। आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ वट सावित्री व्रत मनाया जा रहा है। प्रयागराज में भक्तों ने गंगा नदी स्नान किया और महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। बिहार के राजभवन में 2 दिवसीय बिहार आमोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 15 और 16 जून को होगा। कार्यक्रम का शक्ति वाक्य स्वास्थ्य संस्कृति और समृद्धि का उत्सव रखा गया है। बिहार राज्य के सभी क्षेत्रों में फल उत्पादक और संबंधित संस्थाएं और नर्सरीज में भाग ले सकते हैं। दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश में मौसम ने ली करवट। देर रात तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई, कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। उधर मुंबई के कई हिस्सों में भी बारिश हुई। कल शाम से ही मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया था। उत्तराखंड के चंपावत जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। वहीं मसूरी और देहरादून के आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश देखी गई। हिमाचल प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजीव कुमार ने बताया कि इस बार गर्मी के मौसम में हिमाचल प्रदेश में 1500 से अधिक वन में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में कल से सुधार हुआ है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 112 राहत शिविर और 21 वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। मौसम विभाग ने 7 और 9 जून के बीच असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व पहल के तहत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को स्मृति चिन्ह के रूप में पौधे वितरित करने के पर्यावरण अनुकूल प्रथा शुरू की है। मुंबई के चेंबूर इलाके में सिलेंडर विस्फोट में 10 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। एमसीडी ने कहा कि चेक बाउंस होने से उत्पन्न कानूनी मुद्दों के कारण जुलाई से बंद कर दिया जाएगा चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान। एमसीडी ने बयान में कहा कि अगले महीने से संपत्ति कर का भुगतान डिजिटल तरीके से यूपीआई वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन भुगतान माध्यम के जरिए करना होगा। बीएचएल को छत्तीसगढ़ के रायपुर में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड ने 3500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। भेल ने अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर आधारित 800-800 मेगावाट की 2 बिजली परियोजनाओं के लिए उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना और संचालन का पर्यवेक्षण शामिल है। अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर ने कहा कि उसे अपनी 99.8% इक्विटी आवंटित करने के बाद मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड उसकी इकाई बन गई है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बिक्री के पैसे को सीधे ग्राहकों के खाते में जमा करना अनिवार्य बनाया। संचालन दक्षता और ग्राहकों के पैसों का जोखिम कम करने के मकसद से सेबी ने उठाया कदम। सेबी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नए नियम 14 अक्टूबर 2024 से होंगे प्रभावी। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने देश भर में डिलीवरी पार्टनर्स के लिए 450 रेस्ट पॉइंट स्थापित किए हैं। कंपनी ने बताया कि यह सुविधा सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए है। इन पॉइंट में डिलीवरी पार्टनर्स को आरामदायक बैठने की जगह, मुफ्त पीने का पानी, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और साथ में वॉशरूम सुविधाएं मिलेंगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूले। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। जोमेटो ने बताया कि किसी भी हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए सभी डिलीवरी भागीदारों के लिए 530 से अधिक शहरों में 15 मिनट की एम्बुलेंस और 24/7 SOS सहायता उपलब्ध रहेगी। जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी सुरक्षा ग्रुप ने कर्ज में फंसी जेपी इन्फोटेक का अधिग्रहण कर लिया है। इस कदम से 20,000 से अधिक मकान खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा ग्रुप अटकी पड़ी आवासीय परियोजना के निर्माण के लिए जल्द ही 125 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डालेगी। अधिग्रहण ऋण शोधन अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि NCLT के 24 मई के फैसले के बाद हुआ है। मारुति सुजुकी इंडिया का कहना है कि वह सौर ऊर्जा और बायोगैस से जुड़ी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने के लिए 3 साल में 450 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वित्त वर्ष 2023-24 में मारुति सुजुकी इंडिया ने इस क्षेत्र में 120.8 करोड़ रुपए का निवेश किया था। कंपनी ने बयान में कहा कि वह वित्त वर्ष 2024-25 से 3 वर्षों में इस निवेश को करीब 4 गुना कर 450 करोड़ रुपए करेगी। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील को नीदरलैंड की संसद ने 3.26 बिलियन डॉलर यानी करीब 2700 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड की सरकार चाहती है कि कंपनी प्लांट को तेजी से रिनोवेट करे और उसका पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन करे। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 2 महीनों यानी अप्रैल और मई के दौरान सरकारी खजाने में 9,560 करोड़ रुपए का योगदान दिया। कोल इंडिया लिमिटेड के घरेलू कोयला उत्पादन में करीब 80% हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2025 के लिए कोल इंडिया का उत्पादन और उठाव 838 मीट्रिक टन रहने का है अनुमान। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एक्सचेंज ने इतिहास दर्ज करते हुए 1971 करोड़ ऑर्डर और 28.55 करोड़ ट्रेड संभाले। एनएसई के कैश सेगमेंट में 1.87 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जबकि डेरिवेटिव में 611 लाख करोड़ रुपए का हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका भारत के साथ स्वतंत्र सुरक्षित समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाने पर काम करता रहेगा। मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना पर कहा, फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया जा सकता लेकिन इसके लिए तैयार रहें। जॉर्जिया की एक अपीलीय अदालत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी दखल मामले पर लगाई रोक। अपीलीय अदालत ने एक पन्ने का फैसला जारी किया जिसमें एक शीर्ष अभियोजक के साथ संबंधों को लेकर विलिस को अभियोजन से हटाने की मांग करने वाले ट्रंप और उनके कुछ सह प्रतिवादियों की अपील का समाधान होने तक रोक का जिक्र किया गया है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। वह बोइंग के CST-100 स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाली पहली सदस्य बनी। विलियम्स और बुच विलमोर को लेकर बोइंग का क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से रवाना हुआ। यूरोपीय संघ के 27 देशों में आज से चुनाव शुरू होगा। 9 जून तक ये चुनाव चलेगा। इस बार के चुनाव में लगभग 37 करोड़ मतदाता अगले 5 वर्षों के लिए यूरोपियन संसद के 720 सदस्यों को चुनेंगे।
यूरोप का मतदाता मुख्य रूप से प्रवासी नीति, दक्षिण पंथ, यूक्रेन युद्ध और उसके चलते बढ़ती महंगाई, प्रवासियों की तेजी से बढ़ती संख्या से निपटने से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में भले ही किसी की भी जीत हो, इससे रूस अमेरिका संबंधों में कोई बदलाव नहीं होगा। पुतिन ने कहा कि अगर नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद जीतते हैं तो उन्हें रूस के प्रति अमेरिकी नीति में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्होंने सोच में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया। चेक रिपब्लिक के पार्डुबेस शहर में एक यात्री ट्रेन और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत और 26 लोग हुए घायल। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बचाव और राहत की टीम मौके पर ही घटनास्थल पर पहुंची और ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। टीम ने पहले मुकाबले में ओमान की टीम को 39 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 164 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर और मार्क्स स्टोइनिस ने 56 और 67 रन की पारी खेली। ओमान की टीम 165 रन के लक्ष्य के आगे 9 विकेट पर 125 रन ही बना सकी। भारत ने आईसीसी T20 विश्व कप में जीत के साथ किया आगाज। न्यूयॉर्क में खेले गए प्रतियोगिता में अपने पहले मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराया। कप्तान रोहित शर्मा ने 37 गेंदों पर बनाए 52 रन। पारी के दौरान 3 छक्के और 4 चौके लगाए। 52 रन पर हुए रिटायर्ड हर्ट। पहले मुकाबले में चमके भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, चटकाए 3 विकेट। युगांडा और पीएनजी के बीच मुकाबले में जीत ने युगांडा का दिया 7, पीएनजी को 3 विकेट से हराया। टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत के खिलाफ महामुकाबले से पहले पाकिस्तान की टीम को लगा बड़ा झटका। ऑलराउंडर इमाद वसीम हुए चोटिल। भारत के दिग्गज टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक के लिए कमर कस ली है। पेरिस ओलंपिक में रोहन बोपन्ना ने श्री राम बालाजी को अपने जोड़ीदार के रूप में चुना है। भारत के रोहन बोपन्ना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। रूस की मीरा आंद्रीवा ने फ्रेंच ओपन के महिला एकल के सेमीफाइनल में किया प्रवेश। फ्रेंच ओपन में आज महिला वर्ग के सेमीफाइनल में पोलैंड की इगा स्वांतक का सामना अमेरिका की कोको गॉफ के साथ होगा। वहीं मीरा आंद्रीवा का आज सेमीफाइनल में इटली की जैस्मिन पाओलिनी से होगा सामना। पुरुष एकल वर्ग में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में एलेक्स जे मिनोर को 6-4, 7-6, 6-4 से दी शिकस्त। कुवैत के खिलाफ अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेलने आज उतरेंगे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री। बुलेट टीम का फोकस तीसरे चरण के लिए क्वालिफाई करने पर। चेल्सी और टॉटनहम के पूर्व मैनेजर एंटोनियो कॉन्टे बने नापोली के नए कोच। 3 साल के लिए हुआ करार। यूरो 2024 के लिए इंग्लैंड के 26 सदस्यीय दल में जेम्स मैडिसन को नहीं किया जाएगा शामिल। शनिवार को इंग्लैंड के दल की होगी घोषणा। फॉर्मूला 1 ड्राइवर सर्जियो पेरेज का रेड बुल के साथ हुआ 2026 तक का अनुबंध। पिछले साल अजरबैजान ग्रैंड प्री के बाद से पेरेज नहीं जीत पाए हैं कोई भी रेस। हिंदी सिनेमा जगत पर राज करने वाले सुनील दत्त का आज जन्मदिन है। सुनील दत्त ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो जॉकी से की थी। अपने जीवन काल में सुनील दत्त ने सिनेमा जगत के अलावा राजनीति में भी अपना दमखम दिखाया। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के अपकमिंग एपिसोड में सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, सिप्ता कौर सामरा और मैरी कॉम आएगी नजर। फिल्म मनिहार 14 जून को दर्शकों के बीच दस्तक देने के लिए पूरी तरह से है तैयार।
फिल्म में लीड रोल एक्टर बदरुल इस्लाम ने निभाया है। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही ने रिलीज के 6 दिनों के अंदर 22.60 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। प्रभास स्टारर फिल्म कल के 2898 एडी का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे कलाकारों के साथ पहली बार प्रभास ऑन स्क्रीन धमाल मचाते नजर आएंगे। फिल्म बजरंग और अली 7 जून को सिनेमा घरों में देगी दस्तक। फिल्म में दोस्ती और धर्म की अनोखी दास्ता बयां की गई है। साथ ही फिल्म में बहुचर्चित गंगा जमुनी तहजीब को खूबसूरती से पेश किया गया है। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने के लिए अपनाए गए छोटे छोटे बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वह जब भी ट्रैवल करती हैं तो अपनी कार में एक ऐसा बैग जरूर रखती हैं जिसमें वह कचरा फेंक सके। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की पत्नी नताशा ने बेटी को जन्म दिया है। एक्ट्रेस वामिका गप्पी ने उन्हें बधाई दी है। अपकमिंग मर्डर मिस्ट्री सीरीज गांठ चैप्टर 1 शमना पार को लेकर काफी चर्चा है। इस सीरीज में एक्टर मानव विज एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएंगे। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।